हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब इन नई मुश्किलें सामने आई हैं कि पूर्व खेल मंत्री पर 32,000 फर्जी वोट बनाने के आरोप में गुरुग्राम की विभिन्न अदालतों में जो केस चल रहे थे वे सभी मुकदमे सभी अदालतों में चलते रहेंगे। दरअसल सुखबीर कटारिया ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गगनदीप मित्तल की अदालत में याचिका दायर की थी उनके खिलाफ चल रहे सभी कोर्ट केस को क्लब कर दिया जाए, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गगनदीप मित्तल ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी। सीजीएम का मानना है कि 32,000 फर्जी वोट अलग अलग साल में अलग अलग स्थानों पर बने हैं जो कि विभिन्न अदालतों के कार्य क्षेत्र में आते हैं, इससे सभी अदालतों में अलग अलग मुकदमे चलेंगे। फिलहाल उनके मामले में क्या चल रहा है, क्या क्या अदालतें? ये कोर्ट नंबर 10 में कल एक डिसीजन आया है शाम को, उसमें सभी केसेस क्लब करने की एप्लीकेशन सुखबीर द्वारा दी गई थी। अगर मेरे से इतने भी केसेस हैं क्लब कर दिए जाएं और इनमें एक ही सुनवाई हो। जज साहब ने कोर्ट नंबर 10 ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए डिसमिस करते हुए एक ऑर्डर पास किया कि सभी केसेस अलग अलग अदालतों में चलेंगे और सभी में अलग अलग सुनवाई चलेगी। सभी केसेज अलग अलग, जो भी ऑफेंस हुआ है वो सभी अलग अलग तारीख पे अलग अलग साल में ऑफेंस हुआ है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। 32,000 फर्जी वोट कार्ड बनाए गए थे और उसी के द्वारा ये इलेक्शन जीता गया था। मामला काफ़ी संगीन था और केवल डिले टैक्टिस अपनाने के लिए ही ये कार्य किया गया था, जो करीब 6 महीने पेंडिंग रहा कोर्ट में और कल एक फैसला आया है और उसमें आज उनमें गवाही भी है। माननीय श्री मनीष कुमार जी की अदालत में गवाही होनी है और मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय में 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कोई फैसला जनता के सामने आएगा। अभी तक जो एविडेंस है क्या सभी उनके खिलाफ बिल्कुल अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन उन्होंने दी गई हैं वो सभी कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दी गई हैं, चाहे वो 203-19 की हो या 223 या 224 की हो या केस ट्रांसफ़र की हो या जितनी भी रिविज़न फाइल की गई है कि मेरे खिलाफ़ केस नहीं बनता, माननीय न्यायालय द्वारा एडिशनल सेशन जज द्वारा वो सभी डिसमिस कर दी गई। अगर इस मामले में सजा बनती है तो कम से कम क्या सजा निर्धारित हो? देखो ये वैसे तो इसमें 471 में लाइफ का प्रोविज़न है कि डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हुआ है, कोई छोटा केस नहीं है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर वो मतलब उनको कितनी पनिशमेंट देगी। वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि भाई जो सजा का प्रोविज़न जो कोर्ट ने डिसाइड करना है, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। हम तो